Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to learn about minimum alternate tax. This is chapter 17.9, so make sure that you have also watched my previous videos. They are very important, and do subscribe to the channel and do not also forget to press the bell icon. So as usual, we will learn point wise. So the first point related to minimum alternate tax is it is also a direct tax. First of all, there are two types of taxes. Tax is divided into two parts, that is direct tax and second one is indirect one. तो जैसा कि मैंने बताया था, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इफेक्ट ऑफ टैक्स दोनों एक ही बंदे पे होता है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे मान लो कि आपको इनकम टैक्स आप ही से पैसा लिया जा रहा है और आप ही को दर्द होता है क्योंकि आपका पैसा जाता है, आप ही पे उसका असर होता है, आप ही की जो सैलरी है, जो इनकम है, वो कम हो जाती है। तो ये दोनों इफेक्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन और जो इंसिडेंट, जो मतलब टैक्स कलेक्शन आप ही से हुआ और इफेक्ट भी आप ही को हुआ, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये जैसे कि इनकम टैक्स हो गया एग्जांपल के तौर पे। दूसरा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैपिटल गेन टैक्स होता है, एसटीटी वगैरह, सी कमोडिटी टैक्स, ट्रांजेक्शन टैक्स भी होता है। ये सब डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एग्जांपल के तौर पे जैसे कि वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये प्रोडक्ट वगैरह पे लगता है। जीएसटी अपनी, जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए है। सेल्स टैक्स पहले हुआ करता था, वो भी डायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है। बहुत तरीके की इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं और इस वजह से जीएसटी लाना पड़ा था, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। ये सब पे क्लास है मेरा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि कलेक्शन होता है किसी और से, ठीक है, और उसको जो उसका असर होता है वो किसी और पे होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो टैक्स लगता है प्रोड्यूसर्स के आइटम पे, लेकिन पे करना होता है आप और हमारे जैसे लोगों को, जो कंज्यूमर होते हैं उनको पे करना होता है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो किसी और के साथ है, बट जो इफेक्ट ऑफ टैक्स है वो है आप और हमारे जैसे लोग, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। टैक्स पे एक वीडियो है, आप देख लेना, कोई बात नहीं, बहुत डीपली बताया मैंने। तो ये सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्स है और ये उन पे लगता है, वैसी कंपनियों पे लगता है जो जीरो टैक्स देती हैं। जीरो टैक्स कंपनियां जो होती हैं, एक नया कॉन्सेप्ट, अभी दो तीन पॉइंट के बाद मैं बताऊंगा ये होता क्या है, जीरो टैक्स कंपनी है क्या। तो इन पे लगता है ये जीरो टैक्स कंपनी पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है, 18.5% इनके जो बुक प्रॉफिट है ऐसी कंपनियों के, उन पे लगाया जाता है। बुक प्रॉफिट पे 18.5% का टैक्स लगता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इसको कहते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है, ये पहली बार इम्पोज किया गया था 1997-98 वाले फाइनेंशियल ईयर में। इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो उसको आईटी एक्ट कहते हैं, बट कंपनीज कैलकुलेट देयर प्रॉफिट इंक्लूडिंग इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है उनको, और साथ में प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि कंपनियाँ जो अपना इनकम कैलकुलेट करती हैं, अपना जो प्रॉफिट कैलकुलेट करती हैं, ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करती हैं, वो दोनों प्रोविजन्स के एग्जेम्पशंस को मिला के करती हैं। जैसे कि आईटी एक्ट में कुछ एग्जेम्पशंस हैं कंपनियों के लिए, कुछ डिडक्शंस अवेलेबल हैं, कुछ प्रोविजन्स ऐसे हैं जिसमें उनको छूट मिल जाती है। प्लस ये कहते हैं कि हमारा जो कंपनी का एक्ट है, कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से हमें डिप्रिसिएशन में कुछ रियायतें मिलती हैं क्योंकि हमारे एसेट्स डिप्रिशिएट होते हैं कंटिन्यूसली। तो उसके प्रोविजंस के तहत, कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के तहत, यहाँ पे भी ये लोग छूट लेते हैं डिप्रिसिएशन वाला। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर कहीं ना कहीं इनका जो प्रॉफिट होता है, बुक प्रॉफिट, ठीक है, बुक प्रॉफिट जो होता है वो कहीं ना कहीं या तो जीरो हो जाता है और समटाइम माइनस में आ जाता है। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं जीरो टैक्स कंपनी, क्योंकि ये लोग ये सब फ़ायदा ले लेते हैं और ये टैक्स कुछ भी पे नहीं करते हैं, सारे प्रोविजंस लेके टैक्स कुछ भी पे नहीं करते हैं और जीरो कर देते हैं अपने बुक प्रॉफिट को। ठीक है, इसीलिए इस जीरो टैक्स कंपनी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये सब इनका फ़ायदा उठाते हैं, कंपनी टैक्स एक्ट से भी फ़ायदा लेंगे, आईटी एक्ट से भी फ़ायदा लेंगे, लेकिन जो एक्चुअल इनका जो अर्निंग होता है, एक्चुअल जो बुक प्रॉफिट है, बहुत हाई होता है। खूब सारा डिविडेंड देते हैं ये अपने शेयर होल्डर्स को,
ये देखते हुए 1997-98 में ऑब्जर्वेशन हुआ कि भाई ये तो गलत है, ये तो ऐसे तो बहुत, ये तो कुछ टैक्स ही नहीं देते हैं, खूब फ़ायदा भी ले रहे हैं टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो इनको इसमें लाया जाना चाहिए टैक्स में, और सब्सिक्वेंटली मैट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो रेट्स ऑफ डिप्रेसिएशन जो मैंने आपको बताया अंडर द कंपनीज एक्ट इज़ हायर, तो ये जो डिप्रेसिएशन का जो टैक्स वो करते हैं हाई, मतलब जो चार्ज लगा रेट लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है, और इसके वजह से इनका जो कॉन्सेप्ट है वो जीरो टैक्स कंपनी का हो जाता है। अब देखिए एग्जेम्पशंस डिडक्शंस एंड अदर इंसेंटिव्स अंडर आईटी एक्ट, जो जैसा कि मैंने बताया इसमें भी ये एग्जेम्पशंस रियायतें वगैरह लेते हैं, टुगेदर विद द हायर डिप्रिसिएशन दे बिकम नील और नेगेटिव। आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक प्रॉफिट, ठीक है, ये नील और नेगेटिव हो जाता है जिससे कि इनको जीरो टैक्स देना होता है। इस हिसाब से प्रैक्टिकली दे बुक हाई प्रॉफिट, ठीक है, हाई प्रॉफिट कमाते हैं और खूब सारे डिविडेंड भी देते हैं। इस वजह से इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन जोड़ दिया गया, 115JB, ठीक है, एक नया सेक्शन जोड़ा गया इनकम टैक्स एक्ट में 1997-98 में ही, और मैट वाज इम्पोज्ड अकॉर्डिंगली, तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इसके अकॉर्डिंगली ही लगा दिया गया ये सेक्शन के इंट्रोड्यूस करने के बाद। तो ऐसी कंपनियां जो जीरो टैक्स अपने आप को घोषित करती थी, जीरो टैक्स कंपनियां कहलाती थी, उनको इस टैक्स नेट में ला दिया गया, ठीक है, टैक्स नेट में आ गई हैं अब। सो इट इज़ अप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज, सारी कंपनियों के ऊपर अप्लीकेबल है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, एक्सेप्ट कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इंगेज्ड हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की सेक्टर में, पावर सेक्टर में जो कंपनियां हैं, या फिर फ्री ट्रेड जोन में इंटरफे वो हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे इंगेज हैं, और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, वेंचर एंड एंजल फंड्स में काम कर रही हैं, तो ऐसी कंपनियों को यहाँ पे जो भी ये वाली कंपनियां हैं इनको छूट दिया जाता है, इनको ये नहीं देना होता है मैट, ताकि बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, फ्री ट्रेड जोन, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ आर चैरिटेबल इटसेल्फ, ठीक है, वेंचर एंड एंजल फंड नए नए एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन देता है, तो ऐसे एक्टिविटी वाली कंपनियों को मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से दूर रखा जाता है। अगेन इन सब पे वीडियो है, वेंचर फंड, एंजल फंड सब पे मेरा वीडियो है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, पावर सेक्टर पे भी, सारी वीडियोज़ आपको देखनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए फॉरेन कंपनियां जो हैं, फॉरेन कंपनी विथ इनकम सोर्स इन इंडिया है ऑल्सो हैज़ टू पे दिस मैट, ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन की कंपनी है और इंडिया में काम कर रही है, इनकम सोर्स उसका इंडिया से है और उसको नहीं देना पड़ेगा मैट, ऐसा नहीं है। फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में इनकम कर रही है, उसका सोर्स इंडिया से है इनकम का, तो उसको भी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देना होगा। नेक्स्ट, अब इसको रेशनलाइज किया गया था थोड़ा सा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को थोड़ा सा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनसे ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा था ये मैट की वजह से, तो इसको रेशनलाइज किया गया। तो अब क्या है कि FIIs पे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे जिनके द्वारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है, उनके ऊपर कोई मैट नहीं लगेगा, नो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट्स फ्रॉम कैपिटल गेंस ऑन ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी। तो अगर सिक्योरिटी में जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनसे जो भी उनको गेन होगा, उनको जो भी प्रॉफिट होगा, उस पर कोई भी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नया प्रोविजन लाया गया है, इसको रेशनलाइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, मैट क्रेडिट एक नया टर्म है, आप इसको समझ लो, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एक क्रेडिट होता है, क्योंकि चूंकि ये टैक्स जो है वो एडवांस टैक्स माना जाता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पहले ही ले लिया जाता है एंड कैरी फॉरवर्ड किया जाता है एंड सेट ऑफ एडजस्ट किया जाता है, एक इट्स रेगुलर टैक्स पेएबल ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 10 ईयर्स, तो ये पहले टैक्स ले लिया जाता है एडवांस के तौर पर और 10 साल तक इसको इस टैक्स से एडजस्ट किया जाता है, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें जो टैक्स लगेगा इसी से काट लिया जाता है, इसको कहते हैं मैट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिमांड है इंडिया में, हमारी कंट्री में, कि इस टैक्स को ख़त्म किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कंपनी कॉरपोरेट वर्ल्ड है, कॉरपोरेट सेक्टर है, उसको काफ़ी हैम्पर करता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, बहुत सारे
डिमांड चल रहे हैं अभी इंडिया में, बहुत सारा प्रोटेस्ट भी होता है कई बार इसको लेकर, तो एक डिमांड है ये आपको समझना चाहिए। यूनियन बजट 2017-18 ने अभी जो एग्जेम्पशंस थे जो आईटी एक्ट में इनके लिए, जो कंपनियों के लिए आईटी एक्ट में, उसको धीरे धीरे फेज आउट करना शुरू कर दिया है ताकि वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल, और सब सबको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे ही काम करना पड़ेगा, सबको वही देना पड़ेगा, मैट ही देना पड़ेगा, तो कोई एग्जेम्पशंस नहीं होगा, अब सीधा मैट ही रह जाएगा। तो अभी तक ये प्रोविजंस अवेलेबल है एग्जेम्पशंस के आईटी एक्ट में, तो इनको बिल्कुल फेज आउट करने का जो प्रस्तावना था, जो प्रपोजल था, वो यूनियन बजट 2017-18 में दे दिया गया, ताकि वो अगर कहते हैं ना, ना रहेगी बांस ना बजेगा बांसुरी, तो जैसे आईटी एक्ट में ये सब जो प्रोविजन नहीं होंगे, तो दे विल हैव ओनली ऑप्शन मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। नेक्स्ट, नाउ दे विल यूज मैट क्रेडिट, द कैरी फॉरवर्ड पीरियड हैज़ बीन ऑल्सो इंक्रीज टू 15 ईयर्स। तो जो मैट क्रेडिट है वो उसको अच्छे तरीके से ये लोग यूज़ करेंगे, बिकॉज़ कोई प्रोविज़न इसमें रहेगा नहीं, आईटी वाला एग्जेम्पशन वाला कुछ उनको मिलेगा नहीं वहाँ पे, तो मैट क्रेडिट पे ही इनको डिपेंड करना पड़ेगा। एंड जो कैरी फॉरवर्ड पीरियड है इसको भी बढ़ा दिया गया है, 15 साल तक कर दिया गया है इसको, जो यहाँ पे 10 साल का था उसको 15 साल कर दिया गया। तो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू इन्जॉयड द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ लाइक बटन, प्रेस इट, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय।